राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के आशियाना स्थित केंद्र पर जन्माष्टमी आयोजन से पूर्व एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में उज्जवल सुंदर दास मैनेजर, सरन प्रिय दास, सचिनंदन दास मीडिया प्रभारी, राधाकांत गिरधारी दास, मोहित अग्रवाल आदि भक्त रहे। प्रेस वार्ता में जन्माष्टमी के आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कल दिनांक 19 अगस्त 2022 को इस्कॉन की ओर से नगर के प्रतिष्ठित होटल ड्राइव इन 24 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में रॉक बैंड का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली से रॉक बैंड टीम को बुलाया गया है। ये रॉक बैंड टीम इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का मुख्य आकर्षण है। इसके साथ भगवान का अभिषेक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात में आतिशबाजी की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस्कॉन रुद्रपुर से गुरुकुल के बच्चों को भी निमंत्रित किया गया है। इन बच्चों द्वारा मनमोहक हरिनाम संकीर्तन एवं मंत्र उच्चारण का आयोजन भी जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कल 19 तारीख को मनाने जा रहे हैं। बहुत भव्य आयोजन के साथ में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देखिए, पिछले वैसे तो 5000 वर्ष से पहले से मनाया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ इस्कॉन की तरफ से जो है 1965 से शुरू किए थे शिला प्रभुपाद जी, और उनके आज कृपा से आज पूरे विश्व में लगभग 180 देशों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। छोटे बड़े और चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी पूरा हो रहा है कि नगर नगर ग्राम ग्राम में भगवान श्री कृष्ण का नाम का प्रचार हो रहा है। बहुत भव्य तरीके से आयोजन हम लोग मुरादाबाद में भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी मंदिर अभी नहीं है, तो छोटा सा सेंटर है, तो हम लोग 24 होटल में, चूँकि बड़े जगह चाहिए, बहुत काफ़ी पब्लिक है, 24 होटल में हम लोग जो है कि दिल्ली रोड पर ये मुरादाबाद में है, वहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से हम लोग जन्माष्टमी भगवान को मना रहे हैं। तो वहाँ पर अभिषेक होगा, कीर्तन होगा, रॉक बैंड की कीर्तन की टीम है, अभिषेक का छप्पन भोग भगवान लगाएगा। कुछ भक्त लोग हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं जो रुद्रपुर से आए हुए हैं, और रॉक बैंड की कीर्तन की टीम है जो दिल्ली से आई हुई है। तो सारे लोग मिल करके हम लोग स्थानीय जहाँ यहाँ के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, भक्तों का समाज है, वो सब लोग मिल करके हम लोग इस उत्सव को बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। बाहर से रॉक बैंड की कीर्तन टीम है दिल्ली से, है ना, और गुरुकुल से बच्चे हैं आए हुए हैं, और इसके अलावा जो सांस्कृतिक कुछ प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने इसके बीच में रखे हुए हैं, और जब जन्म होगा, जन्म के बाद स्पेशली आतिशबाजी का भी हम लोगों ने, क्योंकि हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, तो हम लोगों के रॉक बैंड की कीर्तन, मतलब कि काफ़ी देखिए एक प्रकार से कहा जाए कि काफ़ी जोशीला कीर्तन, सब लोग जोश में भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे, है ना। तो रॉक बैंड की जो बैंड जो कीर्तन की टीम, उस रॉक बैंड को स्पेशली हरिनाम संकीर्तन जो हमारा होता है महामंत्र, उस रॉक बैंड पर गाया जाएगा। इसका स्पेशली क्रेज आज की डेट में, आज का युवा चाहता है कि जो संगीत है वो संगीत आकर्षक में होना चाहिए, तो इसलिए उसको नाम रॉक बैंड बना दिया है, फिर रॉक आकर्षक, हम इसलिए रॉक बैंड बुलाए, इसमें ड्रम वगैरह सब रहेगा सब जी। अच्छा,